गाइस आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो गाइस मैंने रिसेंटली एक लैपटॉप परचेस किया था, 30 अक्टूबर को लैपटॉप परचेस किया था। और गाइस आज 20 नवंबर है, सो आज मतलब एडिटिंग नहीं किया था तो उसकी वजह से लेट हो गया वीडियो डालने में। सो आज 20 नवंबर है, सो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप का बैग HP, और ये है कवर यानी कि कर्टन। और गाइस यहाँ कवर से मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है लैपटॉप और वो बैग के अंदर है। तो चलिए मेरा लैपटॉप का वो फीचर वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे कब इम्पोर्ट हुआ था, ठीक है। ये लैपटॉप यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मंथ एंड ईयर September 2021, और MRP 45,515 रुपीस यहाँ पर लिखा गया है। और ये मुझे मैंने 43,500 में परचेस किया है लैपटॉप, और मॉडल नंबर HP 15SDU3055TU, ठीक है इसका मॉडल नंबर। और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है जो कि लेटेस्ट विंडोज है। और चलिए मैं दूसरी तरफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक तरफ से फैसिलिटी हो गया, और ये दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर तो ऊपर ही है, और उसके बाद क्या क्या है इसमें, कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल कोर i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, और उसके बाद 1 TB हार्ड ड्राइव, उसके बाद विंडोज 11 वो लेटेस्ट विंडोज, और उसके बाद 8 GB रैम है जो कि DDR4 है, और उसके बाद 15.6 फुल HD LED डिस्प्ले और 250 nits का ब्राइटनेस है। तो चलिए ये है लैपटॉप का फीचर कुछ, और चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को लैपटॉप, ठीक है। ये हो गया लैपटॉप का फीचर, और ऐसे HP बहुत अच्छा लगता है मुझे तो लैपटॉप पर्सनली। सो चलिए ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं यहीं पे है लैपटॉप। और गाइस ये जो बैग का प्राइस लिखा हुआ था जो कवर एक प्लास्टिक पे वहाँ पे 1999 यानी कि 2000 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन इसका कितना हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं, लैपटॉप में फ्री आया। और इसके बाद देख सकते हैं गाइस बहुत, ये जो जहाँ से परचेस किया है गाइस वो उसका इनवॉइस बिल है, ठीक है। और ये है मेरा लैपटॉप, तो देख सकते हैं गाइस लैपटॉप यही है। और चलिए मैं आप लोगों को बैग का क्वालिटी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बैग देखिए देखने में कितना सुंदर है, और सिर्फ दो ही चेन है यहाँ पे, ऊपर एक और नीचे एक, और यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं और चार्जर वगैरह ऊपर डाल सकते हैं नीचे लैपटॉप। और ये स्पॉन्ज देख सकते हैं कितना मोटा है, तो ये है लैपटॉप के सेफ्टी के लिए, और लैपटॉप डालने के बाद ऐसे लगा सकते हैं। और चारों तरफ से काफ़ी बढ़िया है लैपटॉप, लैपटॉप बैग है तो ऑब्वियसली बढ़िया तो होगा ही। तो चार्जर आप लोग देख सकते हैं, ये है लैपटॉप का चार्जर जो कि 65 वाट का है जो आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी चार्जिंग होगा, 65 वाट का है। तो चलिए मैं HP जो लैपटॉप है इसके कुछ अच्छी तरह से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये लैपटॉप कैसा है। सो चलिए गाइस ये लैपटॉप उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला टाइप का है। और क्या क्या पोर्ट दिया गया है इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडफोन जैक, और उसके बाद ये टाइप सी जैक, और उसके बाद ये है HDMI पोर्ट, और ये पता नहीं क्या कौन सा पोर्ट है मुझे मालूम नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे USB पोर्ट दो है, और उसके बाद चार्जिंग केबल जो चार्जिंग डालने वाला, और ये SD कार्ड डालने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो DVD ड्राइव डालते हैं ना गाइस वो लेकिन इस लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि लैपटॉप जितना पतला होगा उतना ही जो चीज़ ऐड मतलब जो चीज़ पहले ऐड था वो चला जाए, क्योंकि ये पतला है ना, तो यहाँ पे DVD ड्राइव नहीं है, वो एक्स्ट्रा आप लोग कभी कभी एक्स्ट्रा जो मिलता है वो आप लोगों को ख़रीद कर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए ये है मेरा लैपटॉप, और गाइस ये देख सकते हैं HP का लैपटॉप 15.6 इंच का। तो चलिए इसे ऑन करते हैं फटाफट, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ऑन करके। अभी ये ऑन हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे कोर i3 का स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप का सपोर्ट दिया गया है HP की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा जैसा लगता है, वो साइड में जो होता है ना वो बहुत पतला सा है, और ये ऊपर नीचे तो थोड़ा मोटा ही है देखने में, लेकिन जो साइड की तरफ है वो बिल्कुल बेजल्स बहुत ही कम है, और उसके बाद स्क्रीन थोड़ा अच्छा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन इस टाइप का। विंडोज 10 में मेन मेन्यू यहाँ पे आता था, लेकिन विंडोज 11 में यहाँ पे आता है, तो कुछ फ़र्क है थोड़ा। जब भी गाइस कुछ नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो चीज़ें फ़र्क होता है,
और गैस मैं वीडियो बाहर शूट कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्क्रीन मुझे भी उतना मालूम नहीं है क्योंकि अभी मैंने देखा है विंडोज चलाया है विंडोज 11 इस लैपटॉप में, तो मुझे मालूम नहीं है इसका फैसिलिटी वगैरह। और ये जो जहाँ से मैंने परचेस किया था गैस गुवाहाटी नारंगी से, और वहाँ का इनवॉइस बिल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इनवॉइस बिल में 44,750 रुपीज़ है और यहाँ पे वो ऐड नहीं किया है 500 का जो मैंने कूलिंग पैड लिया था, वो मैंने बाद में एक्स्ट्रा ले लिया, सो यहाँ पे बिल में ऐड नहीं किया गया है। तो टोटल हो जाता था 45,250 रुपीज़, तो 250 रुपीज़ नहीं दिया, 45,000 पूरा पे कर दिया। तो लैपटॉप में मुझे 45,000 में लैपटॉप मिल गया, बैग मिल गया, उसके बाद एक वायरलेस कीबोर्ड मिल गया, इंटेक्स का माउस और कीबोर्ड दोनों मिल गया, और उसके बाद मुझे मिल गया कूलिंग पैड। तो 45,000 में मेरा पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट। आई होप गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो में या कुछ ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।